हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉयर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। और आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर मैं आईएससी बोर्ड की बात करूं तो क्लास 11th में आईएससी बोर्ड में इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, और क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ये चीज पहले सीबीएसई में भी फॉलो किया जाता था, लेकिन कुछ समय से पैटर्न चेंज हो गया है। तो जो चीजें क्लास 11th में पढ़ाई जा रही है वो 12th में है, और जो चीजें क्लास 12th में पढ़ाई जा रही है वो 11th में है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में पार्ट बी सेक्शन है, जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास 12th में ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके बोर्ड में है, आपके सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं कि क्लास 11th में जो हम कवर करने वाले इकोनॉमिक्स में वो क्या है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स कवर नहीं किया, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये 15-16 चैप्टर्स ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो स्टैटिस्टिक्स की हम प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, और स्टैटिस्टिक्स में हम क्लास 10th का जो क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, क्लास 11th में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, प्लस ग्रेजुएशन लेवल पे जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, वो सारा का सारा उसमें हम अपलोड करेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल। तो ये जानते हैं कि क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के पोर्शन में जो दो पार्ट में बेसिकली बटा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो जिसमें सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, सारी की सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कितने तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, सोल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो वो जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होगा, आपको मालूम होगा कि कैपिटलिस्टिक होता है, सोशलिस्टिक होता है, और साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने फॉलो करना शुरू कर दिया था 1948 से, और उसके पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 1947, और उसके पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, क्योंकि हमारे देश को रूल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक बना दिया था। लेकिन जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसके अगले ही साल हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको कैपिटलिस्टिक से हटा करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बना लिया। तो ये हमें पार्ट ए में कवर करना है, और मैं थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्या इवेंट हुआ था, क्या रीजन था, किसमें क्या चीजें चेंज की, तब आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा चीजों को समझने में और पढ़ने में। और मैं अगर बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव वर्ड का मतलब होता है किसी भी इवेंट के एक दिन पहले, जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15th अगस्त 1947 में, तो ईव का मतलब 14th अगस्त को हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट बी में, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले ग्रोथ होता है, और जब ग्रोथ पूरा हो जाता है तो फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट्स की, क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स है जिसके बेसिस के ऊपर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको हम इस हिसाब से इस्तेमाल करें कि हमारी भी जरूरतें पूरी हो जाए और अपकमिंग जनरेशन के लिए भी वो बची रहे। तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज का वेस्टेज न के बराबर कम से कम। अगला है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको मालूम होगा फाइव ईयर प्लान्स जो बने थे वो प्लानिंग और उसी के बेसिस के ऊपर इंडिया का डेवलपमेंट। अब जाकर के वो चेंज हो गया है, नीति आयोग हो गया है, लेकिन पहले वो क्या होता था, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। कितने फाइव ईयर प्लान बने थे, बीच में कितने ईयरली प्लान बने थे, उनके पीछे रीजन क्या था, और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, एक एक चीज हम कवर करने वाले हैं। अगला है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें आज भी 2019 है, दिसंबर का महीना चल रहा है, आज के डेट में भी अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 24 घंटे में एक टाइम खाना नसीब नहीं होता, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलती। तो हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और किताबों में ये भी बात लिखी है कि इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। देखिए पॉवर्टी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जहां पे इंसान स्टार्टिंग से गरीब रहता है,
लेकिन अगर मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूं तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम दूसरों को खुद से कंपेयर करते हैं, मतलब हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं, खुद को गरीब कंसिडर करते हैं। तो दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो इंडिया में पॉवर्टी की क्या प्रॉब्लम है, कैसे इंडिया का सबसे जो गरीब राज्य है, सबसे गरीब स्टेट है वो बिहार है, तो क्या रीजन है बिहार इतना पीछे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगला है प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको जैसे मालूम है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो हमारे देश में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या प्रोफाइल है और उनके क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इवन उसके प्रॉब्लम्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। अगला बोला गया है कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमीज। अब चाइनीज और इंडियन इकोनॉमी की बात मैं आपसे करूं तो जो चाइना की इकोनॉमी है, चाइना का जो लैंड एरिया है वो हमसे 3 times ज्यादा है। चाइना की जो पॉपुलेशन है हमसे सिर्फ 5 crore ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि चाइना की इकोनॉमी हमसे ज्यादा डेवलप है क्योंकि हमारे से ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं। इंडिया में जो FDI आने की शुरुआत हुई थी, बेसिकली जहां पे ढेर सारी FDIs आई थी, वो 1991 जहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने हमारे देश में जब LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी तब हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज आई थी। ये साल था 1991 का। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में 1932 हमारी इकोनॉमी में आने के 60 साल पहले से ही FDIs आना शुरू हो गया था। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स चाइना में बना रही है। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुए वो बहुत समय बाद हुए और हमसे बहुत आगे चल रहा है चाइना। तो ये बहुत सारे कंपैरिजन हम आपके साथ करेंगे। अगला है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और उसके प्रॉब्लम्स और उसकी पॉलिसीज। इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही जिस हिसाब से कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो बहुत सारे लोग अंडरपेड हैं। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, उसके लिए सरकार ने क्या पॉलिसीज बनाई है, हर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो देखने वाली बात होती है। अगला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो चीज होती है जैसे नॉर्मली पैसे जनरेट करने की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, आप स्किलफुल बनेंगे आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो गया। इंडिया में कैसे फॉर्म किया गया उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, तो वो सारी चीजें भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये है हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का सिलेबस। आप क्लास 11th में हैं तो ये सारा का सारा पार्ट आप ही के लिए है, और अगर आप क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड के हैं तो इसमें आधी चीजें तो आपके बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी है। UGC नेट UPSC की तैयारी आपके लिए भी बहुत जरूरी है, इवन ग्रेजुएशन में भी सारी चीजें मालूम है, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीजें तो मालूम होनी चाहिए। अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, उन्हें लाइक कर रहे होंगे, प्लीज उसे शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि 2-3 बार तो घंटी बजेगी। तो थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी हैप्पी गुड डे अहेड। थैंक यू।